बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। बेगमगंज वन विभाग और राजस्व विभाग की छापामार कार्रवाई। वन विभाग अधिकारी जितेंद्र तोमर सहित एसडीएम तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई। बेगमगंज वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगभग 1,00,000 की अवैध लकड़ी का घरेलू फर्नीचर जब्त की कार्रवाई। आज सुबह से क्या वक्त वन विभाग राजस्व विभाग द्वारा अवैध बने हुए घरेलू उपयोग का फर्नीचर लगभग 1,00,000 की कीमत का घरेलू उपयोग में पकड़ा गया, जिसकी विशेष भूमिका वन विभाग अधिकारी जितेंद्र तोमर सहित एसडीएम और तहसीलदार की रही। जानकारी के अनुसार बेगमगंज में बीना नदी के पास बने हुए बाड़ों में आज सुबह छापामार कार्रवाई की गई। वन विभाग द्वारा लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर जो है ये भूरा खा निवासी बेगमगंज के घर पर जो है छापा मारा गया। इसमें राजस्व अमला और पुलिस अमला भी उपस्थित रहा और उनके घर से हमको जो है अवैध सागौन की वनोपज मिली है, जिसको जब्त कर लिया गया है और इसकी जो अभी प्रकरण पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और सागौन की जो वनोपज है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,00,000 रुपये। सर यानी नरसिंहपुर गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। गौ माता को बचाने आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य आगे आए। नरसिंहपुर जिले के ग्राम मलकुई में भीषण पानी की कमी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी की कमी के कारण गौवंशों को मरने की तक नौबत आ गई। हमारी खबर को देखते हुए सच्चे गौभक्त ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी महाराज मलकुई पहुंचे और स्थिति का उचित जायजा लिया, गौवंशों को उचित व्यवस्था करने की ठान ली। आगे आए और महात्मा गांधी जी या भगवान महावीर या गौतम बुद्ध आदि की जन्मस्थली, श्री राम की जन्मस्थली, श्री कृष्ण की जन्मस्थली, गाय को जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था, ऐसा देश को आज सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा अहिंसा की या परोपकार की सेवा मनोभाव की पाठा सिखाने की आवश्यकता है। आज जितनी अत्याचार अपने देश में हो रही उतना अत्याचार दुनिया किसी भी कोने पर नहीं हो रही। अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश भी आज अहिंसा की ओर, वीगन की ओर बढ़ते जा रहे। सागर जैसी नगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मानव श्रृंखला बनाकर दिलाई मतदान प्रतिज्ञा, घर घर जाकर लोगों को दिया पीले चावल, मतदान के लिए दिए आमंत्रण। लोकसभा चुनाव 19 हेतु स्वीप प्लान अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम की श्रृंखला में जैसी नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में मतदान पर आज सुबह 6:30 पर मतदान प्रतिज्ञा पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति के माल्यार्पण की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ पर छात्राओं को रंगोली बनाकर सजाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा मतदान के महत्व को बताया गया। इसके बाद उपस्थित स्टाफ द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सभी को मतदान प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसके बाद सभी ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बस में यात्रियों सहित घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर मतदान के प्रति जागरूक किया एवं मतदान करने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। सागर जैसी नगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।